हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटेरियन लिविंग। कैलाथिया बहुत ही सुंदर प्लांट और इंडोर जो हम प्लांट लगाते हैं उसमें कैलाथिया प्रोमिनेंटली आता है। आज मैं ऐसे ही एक बहुत ही सुंदर कैलाथिया के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ, आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कैलाथिया ल्यूसियाए से। ये कैलाथिया ल्यूसियाए बहुत ही एक सुंदर प्लांट है। कैलाथिया की एक स्पीसीज है और ये नेटिव है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, और इसकी जो पत्तियों की खूबसूरती के लिए इसको लगाया जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल इसके लीव्स होते हैं। अगर इसके हम लीव्स देखेंगे तो इसकी मिडरिप के आसपास आपको वेरिएशन दिखाई देगा, और इसके जो मिडरिप से वेन निकलती है वो थोड़ी सी उभर कर आती है। एम्बॉस्ड तरह की इसकी लीफ वेनेशन होती है। इसके लीव्स की जो एजिस होती है वो वेवी आपको दिखाई देंगी, फ्रिल की तरह आपको थोड़ा सा फील आएगा, और बहुत ही सुंदर ये प्लांट इसी ब्यूटी के लिए लगाया जाता है। कैलाथिया की जो दूसरी वैराइटीज़ हैं उसके कंपैरिजन में ये आसानी से आपको नर्सरीज़ में मिलेगा। नर्सरीज़ में इसको कैलाथिया ही बोलते हैं, मरांटा कैलाथिया ऐसे नाम से बोलते हैं, और आपको इजीली अवेलेबल होगा ये प्लांट। ये प्लांट इंडोर भी आप रख सकते हो, और आउटडोर अगर आप रखने जा रहे हो तो ये सेमी शेडी एरिया से शेडी एरिया पसंद करता है। तेज़ धूप इस प्लांट के लिए हानिकारक या फिर हार्मफुल हो सकती है। इसके लीफ की एजिस जो होती है या फिर स्पेशली टिप्स तेज़ धूप में या फिर ब्राइट सनलाइट में इसके ऊपर अगर गिर जाए तो वो ख़राब होती है या फिर टिप्स ब्राउनिंग स्टार्ट हो जाता है। इसलिए ये प्लांट इंडोर या फिर अगर आप इंडोर रख रहे तो जहाँ पर एक घंटे की धूप आती है ऐसी जगह रखेंगे तो भी इस प्लांट के लिए सफिशियंट होगा। ये प्लांट एक वेल ड्रेन सॉइल चाहिए इस प्लांट के लिए, मॉइस्चर होल्ड करने वाली, और इसकी जो हम सॉइल बनाते हैं वो 30% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट। कंपोस्ट आप कोई भी ले लीजिए। ये इस प्लांट के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र अवॉइड करिए, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए ये प्लांट सेंसिटिव माना जाता है, या फिर सारे कैलाथियाज केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद थोड़ा सा डैमेज उनकी पत्तियों में दिखाई देता है। तो कोई भी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं 30%। और 30% कोई भी मॉइस्चर होल्ड करने वाला कंपोनेंट, राइस हस्क, पीट मॉस या फिर कोकोपीट। कोकोपीट अच्छी तरह से डीके हुआ ही यूज कीजिए। फ्रेश कोकोपीट से आपके प्लांट को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मॉइस्चर होल्ड करने वाली सॉइल इसको चाहिए, और सॉइल में पानी ना ठहरे या फिर सॉइल वेल ड्रेन रहे इसलिए 10% सैंड डालना ज़रूरी होता है। रिवर सैंड 10% डाल दीजिए तो इस प्लांट के लिए एक आइडियल जो हम पॉटिंग सॉइल बोलते हैं वो तैयार हो जाएगी। मेरा प्लांट ये छोटा है, और जैसे जैसे ये बड़ा हो जाता है या फिर ये थोड़ी सी मैच्योर लीफ आना स्टार्ट हो जाती है तो आपको लीफ की साइज़ में डिफरेंस भी दिखेगा, थोड़ी लंबी पत्तियाँ भी आना स्टार्ट हो जाती है। ये प्लांट मेरा बहुत ही छोटा है अभी, और एक छोटे पॉट में लगा है इसलिए इसकी ग्रोथ भी थोड़ी सी छोटी ही रह गई है। कैलाथियस के बारे में, अगर आप पॉट का साइज़ बढ़ा लेते हैं तो ये पत्तियाँ बड़े देने लगता है, वैसा ही इस प्लांट के बारे में होता है। अगर ये प्लांट आप घर के अंदर रखना चाहते हो तो बहुत ही एक आइडियल प्लांट है टेबल प्लांटर के लिए, या फिर विंडो प्लांटर में लगा रहे हो तो विंडो प्लांटर में भी ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। ये प्लांट पानी की अगर हम रिक्वायरमेंट देखेंगे इस प्लांट की, तो वेल ड्रेन सॉइल हमने बनाई है, मॉइस्चर होल्ड रहने तक इसको पानी चाहिए, यानी कि आप इसको प्रॉपरली पानी आप वाटरिंग कर दीजिए या फिर पानी दे दीजिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी ये प्लांट मर सकता है, और कम वाटरिंग हो गई तो भी इसकी पत्तियों में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो
बेस्ट है इसकी सॉइल चेक करके ही आप इसको वाटरिंग कर दीजिए। वाटरिंग इतना करना है जितना ड्रेनेज होल के ड्रेनेज होल से वाटरिंग बाहर आना, जब वाटर बाहर आना स्टार्ट हो जाए उतनी वाटरिंग इस प्लांट को कीजिए। और अगर आप इंडोर रख रहे हो तो आप इसको देख कर या फिर सॉइल चेक करके ही पानी दे दीजिए। पानी के बारे में, अगर रेनी सीज़न स्टार्ट है या फिर रेनी सीज़न शुरू है तो आप इस प्लांट को ज़रूर बाहर रखिए, क्योंकि ये प्लांट मॉइस्चर ह्यूमिडिटी पसंद करने वाला प्लांट है और जो बारिश का पानी होता है वो इन प्लांट्स को बहुत ही पसंद है, यानी कि बारिश के दिनों में इन प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है इस प्लांट की फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट। आप इस प्लांट को बहुत ही कम फर्टिलाइज़र में भी ग्रो कर सकते हो। सिर्फ साल में एक बार कंपोस्ट की ज़रूरत होती है, वो भी आप मॉनसून जब पीक पर होता है अगस्त या सितंबर के आसपास दे दीजिए, या फिर आप स्प्रिंग सीज़न आने से पहले यानी कि मार्च या फरवरी में आप इसको फर्टिलाइज कर सकते हो। छोटा पॉट है तो एक आधे प्लांटर के लिए, अगर आपका प्लांटर बड़ा है तो उसमें आप कंपोस्ट की मात्रा बढ़ा सकते हो। कंपोस्ट के बाद बात करते हैं इसके ऊपर कोई इंसेक्ट या फिर अफाइड्स का अटैक। रेनी सीजन में कई बार कैलाथियस के ऊपर स्नेल्स का अटैक होता है, वो भी हम अगर डेली चेक करते जाएंगे तो हम उसको बच सकता है। जब प्लांट स्ट्रेस में होता है स्पेशली विंटर सीजन में, तब इसके ऊपर वुली माइट्स या फिर स्पाइडर माइट्स का अटैक दिखाई देता है, तब आप इस प्लांट को अच्छी तरह से सिंपल पानी से धो दीजिए तो उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। बाकी का कोई इन प्लांट्स के ऊपर ऐसा मेजर इंसेक्ट्स का अटैक नहीं दिखाई देता। एक सिंपल सा प्लांट है, अगर आप लगाना चाहते हो तो घर के अंदर लगा सकते हो और एक अच्छा एक टेबल प्लांट की तरह भी इसको लगा सकते हो। तो ये था कैलाथिया का प्लांट, कैलाथिया ल्यूसी का प्लांट। अगर आप लगाना चाहते हो तो नर्सरीज में आसानी से आपको मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।